सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। आज के इस वीडियो रिव्यू करूंगे SVEC तिरुपति, श्री विद्या निकेतन इंजीनियरिंग कॉलेज तिरुपति की। तो SVEC हमारे तिरुपति आंध्र प्रदेश में स्थित एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है, जिसकी स्थापना 1996 में हुई थी। बात कर लें NRF रैंकिंग की, तो 2023 में इन्हें 151 से 200 NRF इंजीनियरिंग रैंक बैंड के बीच रखा गया है। हर कॉलेज में वीडियो, आज की इस वीडियो में भी सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है, लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट कर ले प्लेसमेंट के साथ। तुम्हारे पास NRF 2023 का डेटा है, जो SVEC ने NRF के पास सबमिट किया था। तो इस NRF 2023 के डेटा में हमारे पास 2022 तक के कुछ प्लेसमेंट डिटेल्स अवेलेबल है, जिसके हिसाब से 2022 में टोटल 1320 स्टूडेंट्स ने बीटेक से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, जिसमें 1210 स्टूडेंट्स प्लेस्ड थे। यानी कि इस डेटा के हिसाब से सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर 2022 का ओवरऑल प्लेसमेंट परसेंटेज लगभग 92% रहा, मोस्ट स्पेसिफिकली 91.6667%। बात कर ले सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर ओवरऑल मीडियम सैलरी की, तो 2022 में ओवरऑल मीडियम सैलरी लगभग 5.15 LPA रहा आपके SVEC के लिए। इसी के साथ हमारे पास ऑफिशियल वेबसाइट पर भी कुछ प्लेसमेंट डिटेल्स अवेलेबल करा रखे गए, जिसके हिसाब से 2023 बैच के लिए, याद रखें अभी हमने 2022 के लिए NRF रिपोर्ट में देखा, अब हम बात करें 2023 बैच के प्लेसमेंट डिटेल्स, तो हाईएस्ट पैकेज 44 LPA बताया जा रहा है और एवरेज पैकेज 6 LPA। बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की, तो दो प्रकार का एडमिशन प्रोसेस देखने को मिलता है। सबसे पहले प्रोसेस में आप EAMCET का एग्जाम दे रहे होंगे, और EAMCET में जो भी आपका रैंक रहेगा उसके बेसिस पे APEMCET काउंसलिंग के थ्रू आपको कॉलेजेस एंड ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। दूसरा तरीका है मैनेजमेंट कोटा, जिसके लिए आप डायरेक्टली कॉलेज को कॉन्टैक्ट करके मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हो। बात कर ले कट ऑफ की, तुम्हारे पास APEMCET 2021 के लास्ट राउंड के क्लोजिंग रैंक के कट ऑफ का स्क्रीनशॉट लगा हुआ फॉर जनरल कैंडिडेट्स, जिसमें हम देख पा रहे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 2021 में क्लोज हुआ था 13,894 रैंक पर, और बाकी सारे ब्रांचेस की आप देख ही पा रहे हो। अब अगर आपको हर ईयर हर राउंड हर कैटेगरी कट ऑफ चाहिए, तो आप कॉलेज दुनिया की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की, तो हमें स्टूडेंट्स ने बताया कि अगर हॉस्टल प्लस मेस को थोड़े देर के लिए छोड़ दे, उसके बाद जितना भी हमारा इंस्टीट्यूट ट्यूशन अकेडमिक एग्जामिनेशन फी, यानी कि ओवरऑल जिसे हम कॉलेज फी या फिर अकेडमिक फी या फिर इंस्टीट्यूट फी कहते हैं, ये लगभग अगर आप काउंसलिंग के थ्रू जा रहे हो तो 70,000 रुपये पर ईयर हमें देखने मिल जाएगा ट्यूशन फी। वही ट्यूशन फी आपके मैनेजमेंट कोटा के लिए 1,70,000 बताया गया है। कुछ फी स्ट्रक्चर जो हमें कॉमन देखने को मिला है स्टूडेंट्स की तरफ से बताया जा रहा है, बिल्डिंग फी आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा कुछ 25,400 रुपये, वहीं आफ्टरनून मेस फी है कुछ 17,000 रुपये के आसपास। तो ये सारी कुछ चीज़ें हमें देखने को मिल जाती है, जो कि दोनों ही मैनेजमेंट कोटा और काउंसलिंग दोनों के लिए कॉमन है। अब अगर बात कर ले हॉस्टल प्लस मेस के लिए, तो डिपेंडिंग ऑन किस प्रकार का आप रूम ले रहे हो, काफ़ी ज़्यादा वराइटीज़ हमें देखने को मिल जाती हैं, जिसमें अगर लाइक मैं आपको बता दूं कुछ 4 शेयरिंग, 8 शेयरिंग, बहुत सारे प्रकार के रूम्स मिलेंगे, डॉर्मेट्रीज टाइप की चीज़ें हमें देखने को मिल जाएंगी। तो अगर बताओ 4 शेयरिंग AC के लिए हमारे पास स्टूडेंट्स ने बताया हॉस्टल प्लस मेस का 1,12,750 रुपये के आसपास, वहीं अगर हम बात कर ले 4 सीटर नन AC के लिए, तो 89,000 पर ईयर हमें देखने को मिला स्टूडेंट्स की तरफ से। तो फाइनली हम पहुंचते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ मोस्ट अपडेट टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले इसी पॉइंट के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा, हमारा SVEC तिरुपति, श्री विद्या निकेतन इंजीनियरिंग कॉलेज आपके तिरुपति आंध्र प्रदेश में 30 एकड़ के कैंपस एरिया में एक बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा होता है, डिसेंट लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर कहूंगा प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के हिसाब से। और जितने भी फैसिलिटीज भी हमें देखने को मिलेंगे डिसेंट ही मिलेंगे, किसी भी मतलब किसी भी एक मामले में नहीं बोल सकते बढ़ चढ़ कर कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं या फिर कुछ चीज़ें खराब है, लगभग सारी चीज़ें डिसेंट है अपार्ट फ्रॉम योर मेस का खाना। तो मेस का खाना, मेस फूड हमें उतना बढ़िया देखने को नहीं मिलता, एवरेज कुछ स्टूडेंट्स ने कहा है, कुछ स्टूडेंट्स ने बिलो एवरेज बताया, तो इस प्रकार ही हमें मेस का फूड देखने को मिलता है, जिसका नतीजा ये रहा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आसपास में कहीं PG या फिर रेंटेड रूम लेकर रहते हैं। लेकिन अगर आप हॉस्टल चूज करें तो फी स्ट्रक्चर मैंने बता ही दिया, सिटिंग कैपेसिटी 4 सीटर, 8 सीटर, AC, नॉन AC हर प्रकार के रूम्स हमें देखने को मिल जाते हैं। और अगर बात कर ले स्पोर्ट्स फैसिलिटी में भी, तो डिसेंट ही हमें मेजर स्पोर्ट्स के लिए ही चीज़ें फैसिलिटीज देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें नहीं है लेकिन कम भी नहीं है, ठीक ठाक हमें स्पोर्ट्स की चीज़ें भी देखने को मिल जाएंगी। लेकिन अगर बात कर ले इवेंट्स कितने कराए जाते हैं, तो चाहे स्पोर्ट्स का इवेंट हो चाहे आपका टेक्निकल एंड कल्चरल इवेंट्स हो, मोटा मोटी बहुत गिन चुनकर कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ छोटे बड़े इवेंट्स हो गए तो हो गए, वो भी स्टूडेंट्स ने थोड़ा बोरिंग ही बताया, तो इवेंट्स होते हैं बहुत कम होते हैं और बोरिंग तरीके से बोल सकते हैं, या फिर बहुत बड़े लेवल पर चीज़ें नहीं होती हैं, कुछ 1-2 फंक्शंस अगर हो गए लाइक आपका एनुअल फेस्ट हो गया, तो यही सारी कुछ चीज़ें होती हैं। स्पोर्ट्स में भी लिमिटेड ही चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं, लिमिटेड यानी आपके बोल सकते हो स्पोर्ट्स कल्चर उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन स्पोर्ट्स फैसिलिटीज ठीक ठाक डिसेंट देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है, ठीक ठाक हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसी के साथ अगर बात कर ले हमें टेक्निकल हो गया, कल्चरल, सोशल क्लब्स भी ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा, डिसेंट ही आपका कॉलेज लाइफ देखने को मिलने वाला है, चाहे हम स्पोर्ट्स की बात कर ले, इवेंट्स एंड फेस्ट की बात कर ले, स्टूडेंट एक्टिविटीज़ की बात कर ले, इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी ही चीज़ें हमें डिसेंट देखने को मिलती हैं।
लाइब्रेरी के बारे में काफी स्टूडेंट्स ने तारीफ किया है, सेंट्रलाइज्ड एसी के साथ हमें लाइब्रेरी देखने को मिलता है, आपका फुल्ली फर्निश्ड लाइब्रेरी है, जितने भी काम की चीजें हैं, जितने भी काम की बुक्स है, सारी ही चीजें हमें लगभग देखने को मिल जा रही होती है। क्लासरूम्स भी आपको फर्निश्ड देखने को मिलेंगे प्रोजेक्टर स्मार्ट क्लासेस के फैसिलिटीज के साथ। तो इसी प्रकार का हमारा कुछ इंस्टीट्यूट है। रेस्ट्रिक्शंस हमें कुछ ज्यादा देखने को मिलते हैं, जिसके वजह से स्टूडेंट्स ने बताया कि अगर गर्ल्स के लिए ढूंढ रहे हो तो एक बढ़िया सिक्योर प्लेस हो सकता है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड इसका कंसिक्वेंस ये निकल कर आया कि काफी ज्यादा हमारे पास स्ट्रिक्ट माहौल थोड़ा सा बनकर चीजें आ जाती है, थोड़ा सा फी स्ट्रक्चर इंक्रीज हो जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में चीजें और थोड़ी बेटर की जा सकती है ऐसा स्टूडेंट्स का कहना है, थोड़ा सा स्पोर्ट्स फैसिलिटी के ऊपर और काम किया जा सकता है, थोड़े को करिकुलर एक्टिविटीज के लिए चीजें और बेटर की जा सकती है आपके कॉलेज लाइफ में। तो यही सारी कुछ चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो आज की इस वीडियो में जो भी स्टूडेंट एसवीईसी से इस वीडियो देख रहे हैं अभी तक का आपका अपना कॉलेज एक्सपीरियंस कैसा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपका अपना कॉलेज ओपिनियन हो, या फिर आज की इस वीडियो में मेरे किसी पॉइंट से सहमत या असहमत हो, या किसी पर्टिकुलर ब्रांच का लेटेस्ट अपडेटेड प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल हो, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूले। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।